मोदी गोदी मीडिया जिहड़ा झूठ बोल बोल के लोगों को गुमराह कर रहा उहदे भी तुसी जवाब दे रहे हैं और ग्राउंड दियां खबरां दिखा रहे। थोड़ा भी बहुत बहुत धन्यवाद, थोड़े भी थोनू भी असी सलूट करते, थोड़े भी चरणों शीश झुकाउंदे साडे सारे मीडिया और तुसी मीडिया थ्रू साडे एन आर आई वीरां नू इस हस्पताल बारे दसते या जो भी साड़ी इत्थे सेवावां चल रही आ इत्थे तुसीं तां देख ही लिया सेवा दा तां कोई अंत नहीं। मोदी मीडिया नू यह नहीं पता भी ये जिहड़ियां मावां भैणां आ साडियां खेतों के साडे नाल संघर्ष कर दियां ये साडे कौम का वारस आ, साडे कौम दी जोधे आ साडियां मावां भैणां बीबियां भी और कई वारी मन भर जांदा इहो जिहियां गल्लां करदे करदे। हुण जिवें 26 तरीक नूं अगे जाणा है सो उत्थे मैं पंजाब च सारे डॉक्टर्स नूं नर्सिस नूं फार्मासिस्ट स्टाफ नूं अपील करदा कि सहयोग का वध तों वध हिस्सा बनन क्योंकि हुण जमीनां दी नहीं जमीरां दी लड़ाई है। सो शरीर का मर जाना मौत नहीं जमीर का मर जाना मौत है। सो जगदे जमीरां वाले डॉक्टर्स नूं जरूर अपील करनी चाहवांगा भी अपनी एक बार जगदी जमीर का सबूत देण इत्थे आके इस संघर्ष नाल जिहड़ा डॉक्टरी पेशेंट नूं लोकी रब मानते हैं सो वो रब नाल तुरे। डॉक्टर साहब एक चीज़ पर्सनली आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में काम किया होगा, देखा होगा सब कुछ, लेकिन इस जगह पर काम करके आपको कैसा पर्सनली कैसा फील हो रहा है, कैसा एहसास आ रहा है? हम यही बोलेंगे गॉड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ बोलेंगे और क्या, ऐसे कोई बार बार तो होता नहीं है, है कि नहीं? तो भगवान ने अपॉर्चुनिटी दिया है, जिसने ग्रैब कर लिया कर लिया, क्योंकि आसान भी नहीं है, है कि नहीं? आप सब छोड़ छाड़ के आप डाउन द क्लॉक और फिर कई बार तो लैंग्वेज कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी होते हैं, सब कुछ होता है, फिर भी ओवरऑल क्या हो गया, हम देराबस्सी के रहने वाले हैं, हमारे साथ ही है, उन्होंने आके पहले शुरू किया, डेढ़ अवतार ने लेबोरेटरी शुरू किया, फिर इनको महसूस हुआ कि भाई गोली कैप्सूल भी देना शुरू कर दी, फिर इसको महसूस हुआ कि ये भाई एमरजेंसी ये भी हो रही, फिर इसने ये फिर हमें भी कॉल किया कि भाई आप भी आओ और करवाने वाला वो परमात्मा है। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारे सिंह कोंडली मोर्चे के उत्ते तुसी देख सकते हो कि परमानेंट हस्पताल 24 आवर्स एमरजेंसी भी हस्पताल बना दिता गया है नैशनल हाईवे के उत्ते। आओ तुहानू अंदर दिखाने कि किस तरीके दे नाल यह हस्पताल मेनटेन किया गया है, तो हर सहूलत इस हस्पताल विच तुहानू नज़र आएगी, बैड लगे हुए ने, डॉक्टर्स नर्सिस बैठिया हुई ने अपना काम कर रही ने, मरीज लेटे हुए ने, क्योंकि साढ़े बजुर्ग जिहड़े इन्नी पोह दे महीने दे विच ठंड दी ठंड दे विच इत्थे आए ने, उन्हां नूं किसी भी तरह की कोई भी मुश्किल अगर पेश आती है तो उसका हर इलाज इत्थे है। जिद्दां तुहानू पिछों दिखाया आ कि खाण पीण दी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, उत्थे ही दूसरे पासे हर मैडिकल फैसिलिटी इत्थे प्रोवाइड करवाई जा रही है। अलग अलग जथेबंदियों वालों पूछने की कोशिश करते हैं कि यह किना वालों करवाया जा रहा है कि यह हस्पताल किना वालों बनाया गया। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। जी यह किना वालों मतलब सारा मैनेज किया गया है कुछ? ये लाइफ केयर फाउंडेशन डेरावासी वालों वालों और ये फाउंडेशन के एम डी आ सरदार अवतार सिंह जी और ये पहले दिन तो जिस तरह 27 तरीक नूं असीं आ गए 30 तरीक तो शुरू कर दिता सी इत्थे और उहदे बाद एक छोटा जिहा टेबल रख के शुरू कीता सी असीं ते इस टाइम संगत दी कृपा दे नाल और महाराज दे आशीर्वाद दे नाल और थोड़े सोशल मीडिया दे बदौलत इस टाइम साडे कोल अप्रोक्सीमेटली 10 बैड दा आ 8 बैड या 10 बैड दे अराउंड है साडे कोल, होर भी कवरेज वास्ते भी बैड हैगे आ और नाल ही साढ़े को लैबोरेटरी फैसिलिटी है, नाल ही फिजियोथेरेपी दे इधर तुम दिखा दियो फिजियोथेरेपी का बैड है वो। मैं कैमरा मैन कहूँगा कि एक इधर कैमरा जरूर घुमाण, आ फिजियोथेरेपी का बैड है ये साढ़े फिजियोथेरेपी के डॉक्टर साउथ तो आए हुए है, ये पंजाबी नहीं है, तुसी इन्हां नाल भी गल कर सकते हिंदी दे विच और ये साढ़े डॉक्टर जिन्हें भी आ एम्स हॉस्पिटल तो तगड़े तगड़े हॉस्पिटल के बच्चों आ के इतने सेवा कर रहे हैं और सानू बहुत माण आ साडे एक किसानी संघर्ष के विच ये हीरे योधे जिहड़े साडे बजुर्गों का ख्याल रख ले आ और असी इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इन्हां नू सलूट करते हैं। उहदे नाल ही साडा जिहड़ा मीडिया थोड़े अड़गे वीर साडे
जिहड़े पहले दिन तो ग्राउंड लैवल दीआं खबरां दिखा रहे, मोदी गोदी मीडिया जिहड़ा झूठ बोल बोल के लोकां नूं गुमराह कर रहा, उहदे भी तुसीं जवाब दे रहे हैं और ग्राउंड दीआं खबरां दिखा रहे, थोड़ा भी बहुत बहुत धन्नवाद। थोड़े भी थोनू भी असी सलूट करते, थोड़े भी चरणों शीश झुकाउंदे साडे सारे मीडिया, और तुसीं मीडिया थ्रू साडे एन आर आई वीरां नूं इस हस्पताल बारे दसते, या जो भी साड़ी इत्थे सेवावां चल रही आ, इत्थे तुसीं तां देख ही लिया सेवा दा तां कोई अंत नहीं। बिल्कुल जी। और ये बजुर्ग तुसीं ये दिखाओ ई सी जी चलन दी इहनां दी, और ई सी जी दे नाल ही साडे कोल साडे अवतार भाजी उहनां दे यूनिवर्सिटी सीगी 15 तरीक नूं, और साडी मैडम ने साडी भरजाई ने साडे कह लो भी वह मावां दे विच्चों योधे, उन्होंने सानू मशीन लिया के दिती ब्लड टैसट करने वाली, जिहड़ी एट द स्पॉट ब्लड टैसट करके उस वेले रिपोर्ट दे दिंदी है। वो मशीन इन्हां नू मैरिज यूनिवर्सिटी से गिफ्ट मिली सीगी, और साडियां बीबियां जिहड़ियां मावां भैणां जिहड़ियां घरां च बैठियां होईयां जिहड़ियां सानू इत्थे बैठियां नू सपोर्ट कर रहीआं, असीं उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद करदे हां। साडे घरां दे विच जिहड़ियां बीबियां साडा खेतां दा कम सांभ रहीआं, उन्हां ने 18 नू महिला किसान दिवस भी मनाया, और वो स्टेजां भी सांभियां उस दिन उन्होंने, और इस गोदी मीडिया मोदी मीडिया नू ए नहीं पता भी ये जिहड़ियां मावां भैणां आ साडियां खेतां दे विच साडे नाल संघर्ष करदियां, ये साडे कौम दा वारस आ, साडे कौम दी जोधे आ साडियां मावां भैणां बीबियां भी। और कई वारी मन भर जांदा इहो जिहियां गल्लां करदे करदे, पर नहीं, ये सरकारां जिहड़ियां ए साडी जिन्नी भी लड़ाई है जुल्म दे खिलाफ रही आ, अज नहीं अज तो 20 साल 50 साल 500 साल पहलां गुरु नानक देव तो शुरू हुई यह जुल्म की लड़ाई, अज भी असी जुल्म के खिलाफ खड़े हैं, ना कि किसी धर्म के खा धर्म की खातर किसी किसी स्पैशल बंदे की खातर, ये जुल्म की खिलाफ लड़ाई है। ये जुल्म जिहड़ा किसानां दे बरखिलाफ जुल्म इस गौरमेंटा ने चक्किया, उस जुल्म के खिलाफ सारे रल मिल के डॉक्टर की इंजीनियर की साढ़े जिन्ना भी भाईचारा वकील भाईचारा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वकील जिन्हें भी आड़ती एसोसीएशन के जिन्हिया भी साड़िया रिटायर जथेबंदियां सारिया ला के साडे संघर्ष नूं कामयाब करन दे विच अपने मोढ़े नाल मोढ़ा ला के खड़िया हुई हैं, और इस तरह साडा मीडिया जिहड़ा आ जिन्हां नाल रलिया होया आ उन्हां दा भी सारिया दा मैं अपने तह दिलों किसान जथेबंदियां वालों सारिया दा धन्नवाद करदा जी। बहुत जी बिल्कुल, असीं भी बहुत बहुत धन्नवाद करदे हां, ते खुशकिस्मत ने वो जो इस मोर्चे दे विच सेवावां निभा रहे ने, बेशक वह डॉक्टर्स ने नर्सिस ने बेशक फिजियोथैरेपिस्ट ने बेशक अजिहे नौजवान ने जिहड़े आप मुहारे अजिहियां सेवावां वास्ते सामने आए हैं, तो की सेवावां उरे दित्तियां जा रही ने, ई सी जी हो रही है इस तों इलावा होर? हाँ जी भाई जी, थोड़ा जाना पै गया, डॉक्टर ने बुलाया से इन्हां दी थोड़ी तबीयत ज़्यादा सीरीयस है, इन्हां नूं भेजना पैना अगे। सो क्योंकि देखो फायदा की हुंदा है, जदों मैडिकल कैंप्स बहुत ने, हॉस्पिटल की जरूरत है, किवें जरूरत है, जो बजुर्ग पिछे ने तो उन्होंने प्रॉब्लम थोड़ी हार्ट की आई है, लेकिन वो टाइमली डिटेक्ट हो चुका है ई सी जी हूँ, असी उन्होंने नाल जो उनकी बनती फस्ट एड उन्होंने देती है, लोडिंग डोज देती है, तो डॉक्टर साहब ने अगे कार्डियोलॉजिस्ट नाल भी कंसल्ट कर लिया। सो उस तो बाद फरदर अगे इन्हों जो हॉस्पिटल है शिफ्ट किया जाऊगा वड्डे हॉस्पिटल। सो य तकरीबन चौथा तो पंजवा केस होगा मैं कहना, जी मेरी नॉलेज हैगा भी जिन्हें टाइमली पता चल गया ई सी जी तो बाद भी कुछ चेंजिज है। सो उस जाना बचाया जा सकता अगर टाइमली उस चीज़ लदा ने साडे कोल प्रबंध होणगे, कोई भी छोटी बीमारी है अगर वह टाइम सर ना फड़ा जाता तो वह वड्डी बीमारी बन के कित ना कि जानी नुकसान करती है, जानी नुकसान करके साडा संघर्ष कमजोर होंदा। सो असी इदा दिया सेवावां आपां चाहते हैं भी वध तो वध होण, क्योंकि हुण जिवें 26 तरीक नूं अगे जाना है, सो उत्थे मैं पंजाब च सारे डॉक्टर्स नूं नर्सिस नूं फार्मासिस्ट स्टाफ नूं अपील करदा कि सहयोग दा वध तो वध हिस्सा बनन, क्योंकि हुण जमीना दी नहीं जमीरां दी लड़ाई है। सो शरीर दा मर जाना मौत नहीं, जमीर दा मर जाना मौत है। सो जगदे जमीरां वाले डॉक्टर्स नूं जरूर अपील करनी चाहवांगा भी अपनी एक बार जगदी जमीर दा सबूत देण इत्थे आके इस संघर्ष च नाल, जिहड़ा डॉक्टरी पेशेंट नूं लोक रब मानते हैं, सो वह रब नाल तुरे। बिल्कुल जी, असल च असीं यही कहांगे कि डॉक्टर नूं रब कहा जांदा है, ते असल दे विच उही रब ने जिहड़े इत्थे इस मोर्चे दे विच सेवावां निभा रहे ने। डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर जी हैलो, हाँ जी,
इसके बारे में ये अच्छा मेडिकल सेंटर है, इमरजेंसी सेंटर है, ये आप देख ही रहे हैं केसेस का, मतलब अभी जैसे वो बाबा जी बैठे हैं, इनको MI है, हार्ट अटैक है जी। अभी सडनली आया, हार्ट अटैक डायग्नोस हो गया, अभी इनकी रिसर्च से हमने टाई अप कर ली, उसके बच्चे को इन्फॉर्म करवा दिया, ये गोहाना के आसपास के हैं। अब वो लड़का आ रहा है वहाँ से, बिको इसको शिफ्ट करना जरूरी था, अब वो घंटे में पहुँच जाएगा, इसको फर्स्ट एड हमने दे दी, रास्ते के लिए हम और दे देंगे, इसको आगे टर्शियरी सेंटर में शिफ्ट करा दे। डॉक्टर साहब एक चीज़ पर्सनली आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में काम किया होगा, देखा होगा सब कुछ, लेकिन इस जगह पर काम करके आपको कैसा पर्सनली कैसा फील हो रहा है, कैसा एहसास आ रहा है? क्योंकि हर किसी से यही सुनने में आ रहा है कि ये ऐसा फील हो रहा है जैसे खुदा की तरफ से कोई चमत्कार किया गया हो इस मोर्चे को लेकर। इनको हम यही बोलेंगे गॉड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ बोलेंगे, और क्या, ऐसे कोई बार बार तो होता नहीं है, है कि नहीं? तो भगवान ने ये अपॉर्चुनिटी दिया है, जिसने ग्रैब कर लिया कर लिया, क्योंकि आसान भी नहीं है, है कि नहीं? आप सब छोड़ छाड़ के आप डाउन द क्लॉक, और फिर कई बार तो लैंग्वेज कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, फिर भी ओवरऑल जो है हम देराबस्सी के रहने वाले हैं, हमारे साथ ही है, उन्होंने आके पहले शुरू किया, डेयर अवतार ने लेबॉरटरी शुरू किया, फिर इनको महसूस हुआ कि भाई गोली कैप्सूल भी देना शुरू कर दी, फिर उसको महसूस हुआ कि ये भाई इमरजेंसी ये भी हो रही, फिर इसने ये, फिर हमें भी कॉल किया कि भाई आप भी आओ। और करवाने वाला वो परमात्मा है, क्योंकि उस परमात्मा की ही कला वर्त रही है, तो आई थिंक ये भी वीर मेरा पंजाबी नहीं समझता है, फिजियोथेरेपिस्ट है, तो आप कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ। और यहाँ पर कैसे? मैं यहाँ पे गुड़गांव में जॉब करने के पर्पज़ से आया था, तो एक हमारे जानकार ने बताया कि यहाँ पे किसान आंदोलन हो रही है, तो आप वहाँ पे सेवा भाव से काम करने जाओगे, तो मैं उनको बताया कि यहाँ जाना है, तो मैं यहाँ पे आया। और कब से सेवा कर रहे हो यहाँ पे? मैं 12 जनवरी से यहाँ पे सेवा दे रहा हूँ। मतलब फिजियोथेरेपिस्ट बिहार तो है, 12 जनवरी तो इतने सेवा निभा रहे हैं, आ पंजाब के पुत ने ते धियां ने पंजाब दियाँ जड़ियाँ लगिया हुई ने, जड़ियाँ सेवावान निभा रही ने, तो ये सेवावान लगातार बादस्तूर उदों तक जारी रहनगियाँ जदों तक यह गंदियाँ सरकार अपन गंदियाँ नीतियाँ तो रणनीतियाँ तो बाज नहीं आदि, जदों तक यह बिल रद्द नहीं कर दियाँ, जदों तक हसते वसते इन्हों किसानों वापस घर परतन नहीं कहदियाँ, उदों तक असी भी डटे हुए हैं। गोदी मीडिया जिन्ना मर्जी जोर ला लवे इन मोर्चों को तारोपीड कर, इन मोर्चों खराब कर, असी वो कदे नहीं हो देवे। तो भैन नाल भी गल करके देखते हैं, वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। जी खालसा वाहेगुरू जी की। किदां दा फील हो रहा? मैं सिर्फ यही पुछागा कि बड़े हॉस्पिटल्स से बड़िया थावां ते काम किया होगा, पर इस थान पर काम करके कि फील हो रहा है? देखो मेरे दिल की ना एक फीलिंग से कि मैं जावा दिल्ली, है ना, तो मैंने उपर वाहगुरु जी ने इन्ना वधिया मौका दिता कि मैं उरे आके सेवा करा, मेरे दिल की तमन्ना पूरी हो गई, तो मैं बहुत वधिया फीलिंग आती है उरे काम करके। कुछ एहसास इदा का होंगे कि परमात्मा वालों कोई कला वरताई जा रही है? शायद कि एवं होंगे कि उस परमेश्वर की कुछ रचना है कि सानू मौका मिले सारू इकट्ठे होने का। बिल्कुल जी बिल्कुल, तो उसका असं हिस्सा बन रहे हैं, उस इतिहास का असं हिस्सा बन रहे हैं। तो जेकर अजे भी तुम घर बैठ के यह सोचते हो कि लखा की तादाद किसान उरे पहुँचा हुआ सानू कोई फर्क नहीं पैंदा, तो तुम ये सोच लो कि अनाज हर किसी के घर आता, चाहे तुहाडे कोल जमीन है या नहीं है, पर हाँ इन्ना जरूर कहांगे जमीर ना मरन दिओ, अगर जमीर जिंदा है तो जरूर पहुँचो इन्हों मोर्चों के हाज़री भरन वास्ते। इन मोर्चों के जे हाज़री तुम भरोंगे ता ही तुहाडा नाम सुनहरी अखरां विच लिखा जाएगा, जे इन मोर्चों के बरखिलाफ बोलते हो या ढालां की गल करते हो या सोचते हो, चाहे संतरी हो मंत्री हो, तो फिर तुहानू कदे भी ना ये संगत माफ़ करेगी, ना आवाम माफ़ करेगी, ना वो परमात्मा माफ़ करेगा। इधरले पासे तुसी देख सकते हो पूरा मेडिकल स्टोर है, पूरा मेडिकल कैंप लग्या होया है, तो यह भी सारी सेवा जिहड़ी है फ्री ऑफ कॉस्ट निभाई जा रही है। तो इन्ना ही कहांगा कि किसी चीज़ की कमी नहीं है, उस परमात्मा वालों कला अजिही वरताई जा रही है, हर चीज़ इत्थे नज़र आ रही है, किसी चीज़ दे इत्थे घाट नहीं है। इस करके कुछ ना सोचो, अगर निकलना है फटाफट घरां चो निकलो, तो इस थान के उत्ते जरूर पहुँचो। इन की बेनती प्रवान करना, अगर दर अपडेट्स थोड़े रूबरू करते रहेंगे। दो इजाजत, वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।